हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ 9SE एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐप सजेशन बार सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐप सजेशन बार सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा ऐप सजेशन बार। ऐप सजेशन बार इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को टैप करके इसे ऑन करना है, यानी कि इनेबल करना है इसको, ठीक है। इस सेटिंग को ऑन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहां पे बता देता हूं, फिर मैं इस सेटिंग को ऑन करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, आप ये जो है ना, ये जो ऐप ड्रॉअर ओपन करते हैं तो इसमें देखिए सर्च बार के नीचे आपको ऐप आइकन दिखाई दे रहे हैं आपके फोन के सारे, ठीक है। यहां पर जो है ना, सर्च बार के नीचे आपको रेकमेंडेड ऐप्स यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा जब हम जो है ऐप सजेशन बार सेटिंग को ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब हम ऐप सजेशन बार सेटिंग को ऑन करते हैं, ब्लू कलर में बटन ऑन हो जाएगा, यानी कि सेटिंग इनेबल हो जाएगी। अब देखिए सेटिंग कैसे काम करती है ऑन होने के बाद। आप देखिए ऐप ड्रॉअर मैंने ओपन कर लिया दोबारा से। अब देखिए सर्च बार के ठीक नीचे यहां पे रेकमेंडेड ऐप्स यहां पे लिखा हुआ आ गया है, और रेकमेंडेड ऐप्स में आपको एक लाइन में चार ऐप दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो रेकमेंडेड ऐप्स में आपको चार से पांच ऐप दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, रेकमेंडेड ऐप्स के नीचे देखिए ऑल ऐप्स लिखा हुआ है, ऑल ऐप्स के नीचे आपके मोबाइल फोन के सारे ऐप्स हैं। रेकमेंडेड ऐप्स में ये वो ऐप्स होते हैं चार से पांच ऐप जो आपने रिसेंटली यूज करे होंगे या लास्ट टाइम यूज करे होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्रोम ब्राउजर का ये जो ऐप है ये ऊपर भी और नीचे भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर का आइकन ऊपर भी है, नीचे भी है, क्योंकि मैंने इन्हें लास्ट टाइम यूज करा था, ठीक है। तो ये जो रेकमेंडेड करता है हमारे को इसलिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आपको दोबारा से वही सेम ऐप आपको यूज करना है तो आपको वो ऐप ना ऊपर की साइड में ही मिल जाएगा, आपको नीचे कहीं पर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐप सजेशन बार सेटिंग जो ना ऑन करने के बाद ये सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करती है आपकी, ठीक है।